जन स्वागत करता हूँ आपका आरबी चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज हियरिंग होनी थी एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल 2017 की सुप्रीम कोर्ट में। जो हियरिंग होनी थी वो नहीं हुई है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपको जल्द ही मिलेगी। जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी वो भी मुझे नहीं लगता कि इस महीने की आपको मिलेगी, क्योंकि ये मार्च चल रहा है, यहाँ पे होली की छुट्टियां भी आने वाली है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगले महीने से पहले आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी नहीं मिलेगी, और ये केस मुझे लगता है वो थोड़ा और लंबा खिंचने वाला है। अभी केस को देखा जाए तो कहीं भी केस मुड़ नहीं रहा है, ना ही ये लग रहा है कि कैंसिल होगा या ना ही ये लग रहा है कि स्टे जल्दी से हटाया जाएगा। कुछ भी केस के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। दो 2017 के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल के हों या सीएचएसएल के हों, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप 2018 की प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो। अगर आपका इससे मन उब गया है तो आप बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपेयर कर सकते हो। रेलवे के भी फॉर्म निकले हुए हैं, बैंकिंग के भी हर साल में फॉर्म निकलते रहते हैं, तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करके अपनी जॉब ले सकते हो। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल 2017 का भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, और कोई नहीं कह सकता कि केस कितना लंबा चलेगा। या तो आप सीजीएल सीएचएसएल 2018 की प्रिपरेशन करो या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे लो। मैं जानता हूं ये बहुत बुरी खबर है हम सभी के लिए। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि अब हियरिंग हो। पहले आठ मार्च की हियरिंग की डेट आई थी, जिसे प्रीपोन करा के 6 मार्च की कर दिया गया था, और ये नॉन मिसलेनियस डे दिया गया था, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि आज जो हियरिंग होगी वो थोड़ी लंबी चलेगी और केस को सुनवाई होगी अच्छे से, लेकिन वो भी अब कैंसिल हो गई है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बुरी खबर है, और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैंने अपनी राय दी है वो आप मान सकते हो, जो समझ आए आप वो करो, ठीक है। अगर आपको एसएससी का आगे एग्जाम देना है दो, नहीं देना मत दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। बाकी अभी रेलवे के फॉर्म निकले हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसमें 35,332 वैकेंसीज हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी पूरी डिटेल्स की वीडियो आ चुकी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से मिल जाएगा, आप वो फॉर्म भर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको वो जो चाहिए तो उनमें अप्लाई कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में बताई हैं। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल 2018 के फॉर्म भी निकल चुके हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में सब कुछ जान सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो।